Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine and safe. Let's start our first chapter of class 6 science. That is, food, where does it come from? Food matlab bhojan, ye hume kahan se milta hai? Firstly, we have to know about what is food. Food ye hota kya hai? Anything which we eat to live is called food. Jo bhi cheez hum jeevit rehne ke liye khate hain, use hum kya kehte hain? Food kehte hain. Now, food variety. As we know, we eat different kind of food daily. हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं? Different तरह की चीज़ें, अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हम daily खाते हैं. जैसे vegetable, fruit, chapati, rice, fast food, anything else which we eat, जो भी हम चीज़ें खाते हैं. जैसे हम देखते हैं, अगर हम दिल्ली से पंजाब की ओर जाते हैं, तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं ज़्यादा? चपाती को प्रिफर करते हैं, रोटी को प्रिफर करते हैं. और जब हम बंगाल की ओर जाएं, तो वहाँ पर लोग मछली, चावल, इस चीज़ को प्रिफर करते हैं. एंड लाइक हम अपने कुमाऊँ पर ही आ जाएं, तो हमारे कुमाऊँ के लोग क्या करते हैं? चावल, दाल, रोटी, ये सभी चीज़ खाते हैं. और क्या होता है, हर एक एरिया का एक स्पेसिफिक फूड होता है जो वहाँ को शो करता है, वहाँ का कल्चर शो करता है. जैसे हम देखते हैं कि हमारे कुमाऊँ में लोग कहते हैं भटके डुबके, एक स्पेसिफिक चीज़ हमारे कल्चर को प्रिफर कर रही है. अभी आप देख लीजिए चाइना में क्या हुआ, चाइना के लोग क्या खाते हैं? डिफरेंट अलग ही जानवर खा लिया, जिसके कारण क्या हुआ है, हमारा जो कोरोना वायरस जो हमको पता है अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस, जिसके कारण हमारी ये लीफ पड़ी हुई है. नाउ इन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज़ करने होते हैं. इंग्रेडिएंट्स होते क्या हैं? एनी सब्सटेंस और मटेरियल दैट आर कम्बाइंड टू फॉर्म अ पर्टिकुलर डिश. एक पर्टिकुलर डिश के लिए जो मटेरियल हम कंबाइन करते हैं वो क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स होते हैं. जैसे अगर हमें रोटी बनानी है, तो उसमें हम इंग्रेडिएंट क्या यूज़ करते हैं? आटा एंड वाटर. उस पर हम या सॉल्ट या अदर कोई इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट ही होते हैं जो एक चीज़, एक फूड को बनाने के लिए इनफ होते हैं. वैसे ही दाल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी एंड स्पिसेस. फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. अब इनके सोर्स क्या हैं? जैसे फूड आइटम में हमारा है इडली, इसके लिए हम इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ कर रहे हैं? राइस. राइस हमने पहला जो यूज़ किया, इसका सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें प्लांट से मिल रहा है. उड़द दाल, ये हमें कहाँ से मिल रही है? प्लांट से. सॉल्ट हमें कहाँ से मिलता है? सी वाटर. देन हमें चिकन करी बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? फर्स्ट इंग्रेडिएंट चिकन, जो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से चाहिए. स्पाइसेस चाहिए, जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से. ऑयल एंड घी, अगर हमें ऑयल चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से. और अगर हमें घी चाहिए तो वो हमें कहाँ से मिलता है? एनिमल से. एंड वाटर. तो इन सब में हम देखते हैं कि क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड. प्लांट और एनिमल्स क्या हैं, ये दोनों ही चीज़ फूड्स के लिए क्या है, हमारे मेन सोर्स हैं.